वेलकम टू बैक टू माय चैनल। मैं आपका चाहिए आरजे ओमी आप लोगों के साथ हूँ। आज कुछ नया होने वाला है आप लोगों के लिए भी और कुछ मेरे लिए भी, वो भी इसीलिए कि आप देख रहे हैं मैं कहाँ खड़ा होकर के अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ सही देख रहे हैं आप, मेरे पीछे है कपास की खेती। कपास की खेती, ये जो पीछे जो लगी हुई है वो कपास की खेती है, और जस्ट मेरे साइड में है मक्की की खेती, यानी कि भुट्टे लगने वाले हैं, और सीजन भी है और मौसम भी साथ दे रहा है। कुछ समय पहले धूप निकली थी और अब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूं तो कुछ ऐसा खुशनुमा मौसम हो गया है, बारिश गिर रही है। मैं इस व्लॉगिंग में बताना चाहता हूं गांव की लाइफ स्टाइल के बारे में। आया हूं फार्म हाउस पे और बताऊंगा कि यहां पर कौन कौन सी फसल लग रही है अभी। वो कुछ कुछ दूरी पर लगाए जाते हैं ताकि वो एक दूसरे को जकड़ करके फंसे नहीं और डोड़े टूटे नहीं, इसलिए उसको ऐसे दूर दूर लगाए जाते हैं। मैं आपको बीच में ले जाता हूँ और कुछ डोड़ों को भी बताऊंगा कुछ इस तरीके से ये डोड़े होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जो डोड़े हैं वो कपास के डोड़े हैं, और जब इसकी फसल पूरी हो जाएगी यानी कि ये बड़े हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये डोड़े जो हैं कपास के वो खुल जाएंगे। खुलने के बाद इसको कपास को जो होता है रुई जिसको कहते हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है और इस तरीके से ये फसल पूरी हो जाती है। तो इसीलिए ही मैं कहता हूँ कि क्लाइमेट बहुत सारी चीज़ें हमें देता भी है और बहुत सारी चीज़ हम नहीं संभले तो ले भी लेता है। अब क्या लेता है वो आप सोचिएगा, देता क्या है वो आज मैं इस व्लॉगिंग में बताऊंगा। खुशी की बात ये है कि फार्म हाउस का जो कुएं हैं, तीन कुएं हैं, उसमें से तीनों कुएं भर चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर का जो कुआ है मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूं। खेती की बात, खेती तो आप जानते ही हैं कि समय चेंज हो गया है, ट्रैक्टर और वगैरह वगैरह से खेती की जाती है, बट ये हम पशु को कैसे भूल सकते हैं। गाय हैं, भैंस है, और भी पशु में जो भी आप समझ सकते हैं वो चीज़, पर मोस्टली विलेज में गाय भैंस तो पाली ही जाती हैं। और ये फार्म हाउस का जहाँ गाय भैंसों को रखा जाता है वो जगह बताता हूँ मैं आपको, सीधे ले चलता हूँ वीडियो पर, वो जगह भी देख लीजिए क्योंकि आज मैं आपको पूरी सैर कराने वाला हूँ, इसलिए बने रहिएगा इस व्लॉगिंग। ये तो जो है फार्म हाउस से थोड़ा सा सामने की तरफ बना हुआ है और ये है, हालांकि ये जमीन भी अपनी लोगों की है, और ये है फार्म हाउस का गेट। अब अंदर जाते हैं फार्म हाउस में, देखते हैं हमने उसमें क्या क्या लगा रखा है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है अंदर। पर इस बीच में जो रास्ता है बहुत ही अच्छा है, मैं पैदल चल करके आपको बताता हूँ, सीधा ले चलता हूँ उस व्यू पर जहां का रास्ता आपको देखना चाहिए।
अगर आप ऐसे फॉरेस्ट में या फिर कहीं फार्म हाउस पे आप शूट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हरियाली है, तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसी वॉइस सुनने को मिलेगी। देख रहे हैं आप, ये पक्षियों की आवाज़। और पक्षियों की आवाज़ सुनने के लिए आपको ऐसे क्लाइमेट में और ऐसी जगह पे ही आना होगा। बाकी तो आप सोचो कि मेट्रो में हम इन वॉइस को सुने, भूल जाइए यार, भूल जाइए, मेट्रो में सुन ही नहीं सकते। या फिर बड़े बड़े शहरों में इस वॉइस को सुनने के लिए तरस जाते हैं लोग। सही बोला, तो कमेंट्स में जाकर के जरूर बोलिएगा। तो कुछ इस तरह था यहाँ का नजारा। जो बीच चारों तरफ खेत है और कुछ इस तरह से फार्म हाउस के बीच में बना हुआ है। मैं थोड़ा सा वीडियो उसकी तरफ ले जाता हूँ, फिर मैं एक फार्म हाउस पे सिंचाई के लिए बहुत बड़ा टैंक बनाया हुआ है, यानी काफ़ी बड़ा है वो, गहरा तो 10 फीट के आसपास होगा और लंबाई में उसका 70 फीट होगा और चौड़ाई में 35 से 40 फीट होगा। उस टैंक की तरफ ले जाऊंगा जिसमें पानी भरा जाता है और फिर पूरी खेत में सिंचाई की जाती है समय समय पर। अभी तो बारिश है तो इसका उपयोग कम होता है। के व्यू पर यहाँ पर हम गर्मी में नहाया भी करते हैं, बट अभी थोड़ा क्लाइमेट ऐसा वैसा हो गया और समय भी नहीं मिल रहा है। आप लोगों के लिए मैं ये ब्लॉगिंग इतनी बारिश में भी कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ तो बनता है। सीधा ले जाता हूँ उस वाटर टैंक पे जो फुल जन्नत होती है। जन्नत यानी कि धरती का स्वर्ग है वो विलेज लाइफ में ही, बाकी मेट्रो में नहीं। ये मैं सच बोल रहा हूं। विटामिन इसमें सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसका सेवन हमें करना चाहिए। मैं बारिश में काफ़ी टाइम से इधर उधर घूम रहा हूँ, कर रहा हूँ, मुझे घंटा भर हो गया सब शूट करते करते, और थोड़ा सा तो एनर्जी लेनी होगी। हमारे पास यही चाह रहा है।
ये मेरे पीछे थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये सारे नींबू लगाए गए हैं और बहुत सारे इसमें नींबू लग भी रहे हैं, जिसमें से आपको मैंने बता दिया। अब मैं आपको सीधा ले जाता हूँ उस तरफ क्या क्या लगा है और किस तरीके से हमें आगे के सीन्स देखने मिलेंगे। आगे चलते हैं और आपको आगे के शूट्स बताते हैं। अब हम इसके दूसरे पार्ट पे जा रहे हैं, फार्म हाउस के। उसमें लगा रखी है मक्की, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, तो ये मक्की का खेत है पूरा। और इस तरफ भी कपास की खेती की गई है। वास्तव में यार अभी भी उमस कम नहीं हुई और इतनी बारिश हो रही है फिर भी मेरे पसीने उतर रहे हैं, यानी कि अभी और जरूरत है बारिश, और जरूरत है। देख सकते हैं आप, सीधा व्यू पर ले जाता हूँ। यहाँ के नज़ारे बहुत ही अच्छे हैं, मैं अंदर नहीं जा सकता ज़्यादा क्योंकि अंदर जगह भी नहीं है और कुछ दिख भी नहीं रहा है कि मैं कहाँ पैर रखूँ। और इतनी रिस्क उठा लेना यानी कि मूर्खतापूर्ण होगा, समझ रहे हैं ना आप बात। सीधा ले जाता हूँ अगले व्यू पर। पर सोयाबीन लगेगा और जिसे हम बड़ी चाव से खाते हैं उस सोयाबीन को आपको पता ही होगा, उनके पौधे लगे हुए हैं और उसकी खेती है। तो सीधे चलते हैं सोयाबीन की सीन्स पर जो कि इस तरीके से लगे हैं, आपको पता नहीं कर सकते कि एक फ्लैट फ्लैट नजर आ रहा है पूरा, बस आप देख लीजिए। हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, हम ये सोयाबीन की खेती के बीच में से निकल रहे हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें। चक्कर के बाद पहुंच गए हैं उस कुएं पर और वो भी भर चुका है। हालांकि मुझे एक शूट और करना था बट उसका शूट हो नहीं पाएगा क्योंकि वो बहुत दूर है। वो दिख रहा है मेरे पीछे झोपड़ी सा, उसको मैं अलग ब्लॉगिंग में लूंगा। क्यों, कैसा लगा ये वीडियो? स्टार्टिंग भी यहाँ से की थी और इसका एंडिंग भी यहाँ से ही हो रहा है। ये सारी थी विलेज लाइफ पर मेरा थीम और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि विलेज लाइफ अच्छी होने के साथ साथ बहुत ही खुशनुमा भी होती है। इसका लुप्त जो उठा सकता है वही उठा सकता है। यहाँ के रहने वालों से पूछिए कि इसका जो क्लाइमेट होता है ना और जो रहने का इंटरेस्ट होता है ना वो कैसा होता है। जो भी ऐसी लाइफ को जीते हैं ना वो अलग ही होते हैं। अभी जो शॉर्ट लिए मैंने वो इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था कि मेरे सॉक्स और मेरे शूज़ यानी कि शूज़ ये भीग चुके हैं, अंदर पानी भर चुका है, फिर भी आपके लिए तो बनता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर ऐसे शॉट्स ले रहे हैं या शूटिंग कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, ऐसे ही मत उतर जाइएगा, थोड़ा प्रिकॉशन रख करके। मैंने भी प्रिकॉशन लिया, पूरे कांटों में भर गए हैं मेरे ये जो कपड़े हैं और बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए। मुझे इंस्टाग्राम पर भी बिंदास टशन से फॉलो कर सकते हैं आप, मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर।